हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2020 में वो पॉलिसियाँ जो सबसे ज़्यादा बिकी, बेस्ट LIC मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज ऑफ 2020। 2021 में भी ये पॉलिसीज सेल के लिए अवेलेबल रहेंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोज हर रोज। जैसे कि आप देख सकते हैं, हर रोज यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं यहाँ पर, ताकि आपको भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोमेंट प्लान्स के बारे में। इसमें सबसे पहले पॉलिसी आती है LIC जीवन आनंद, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये पॉलिसी दो बार मैच्योरिटी देती है। 915 टेबल नंबर है। ये पॉलिसी नॉन लिंक्ड पॉलिसी है, मतलब इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर कन्वेंशनल पॉलिसी है और एक एंडोमेंट होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। इसमें प्रीमियम पेमेंट मोड चार तरीके से किया जा सकता है, साल भर का, 6 महीने का, तीन महीने का और मंथली बेसिस का। इस पॉलिसी का कम से कम टर्म आप 15 साल का ले सकते हैं और मैक्सिमम 35 साल का भी टर्म आप ले सकते हैं। कम से कम 18 साल का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है और मैक्सिमम 50 ईयर का आदमी भी इस पॉलिसी को ले सकता है, लेकिन पॉलिसी कंप्लीट होते होते 75 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। कम से कम मिनिमम सम अश्योर्ड इसमें 1 लाख रखा गया है और 1 लाख से मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका ITR अलाउ करता है तो आप मैक्सिमम अनलिमिटेड इंश्योरेंस इसमें ले सकते हैं। पॉलिसी बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो पॉलिसी के ड्यूरेशन के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो जितना भी पॉलिसी होल्डर ने जमा किया है उसका, जो भी उसने साल भर का पे किया था एनुअलाइज प्रीमियम, उसका 7 गुना या उसका बेसिक सम अश्योर्ड का 125 गुना, जो भी अमाउंट उसका ज़्यादा बैठता है वो उसके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाता है और वो भी टैक्स फ्री। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो बेसिक सम अश्योर्ड मिलता है, उसके साथ वेस्टेड सिंपल रिजर्वेशनरी बोनस मिलता है, फाइनल एडिशनल बोनस मिलता है, इसके साथ साथ पूरा मैच्योरिटी टैक्स फ्री अमाउंट उसको वापस कर दिया जाता है। अगर ये पॉलिसी सरेंडर करनी है तो 2 साल के बाद इस पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है। 2 साल के बाद लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं सेक्शन 80C के अंतर्गत और मैच्योरिटी भी इस पॉलिसी में 1010D के अंतर्गत कम्प्लीटली टैक्स फ्री होती है। बेसिक मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए आपने 25 लाख रुपये का इंश्योरेंस 25 साल के लिए कराया, 25 साल बाद आपको 25 लाख की पॉलिसी पर 1 करोड़ का जो रिटर्न है वो मैच्योरिटी टैक्स फ्री मिल गई। इस पॉलिसी की खासियत यह है कि 25 साल बाद भी जब तक आप रहेंगे, मतलब 100 साल तक, ये 25 लाख रुपए का सम अश्योर्ड आपको कंटिन्यू कवरेज प्रोवाइड कराता रहेगा। इसकी हेल्प से जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है मैच्योरिटी के बाद भी, तो उसका जो बेसिक सम अश्योर्ड की पॉलिसी थी वो बेसिक सम अश्योर्ड दोबारा उसके नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं LIC का मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज जीवन लक्ष्य, जिसका नाम है टेबल नंबर 933, जिसको LIC कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉलिसी भी नॉन लिंक्ड पॉलिसीज है, विद प्रॉफिट एंडोमेंट इंश्योरेंस प्लान है। प्रीमियम पेमेंट इसका 3 साल कम होता है, जितने साल का भी आप पॉलिसी लोगे उससे 3 साल कम आप प्रीमियम दोगे। इसका भी प्रीमियम आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली मोड पे कर सकते हैं। पॉलिसी कम से कम 13 साल से 25 साल के बीच में होती है, जितने साल भी पॉलिसी करेंगे उसमें से 3 साल का पैसा आप नहीं देंगे, ये इसमें एक एडिशनल बेनिफिट है। कम से कम 18 साल का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है, मैक्सिमम 50 ईयर का पॉलिसी होल्डर इसको ले सकता है, लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे 65 साल से ज़्यादा की उम्र नहीं होनी चाहिए। बेसिक सम अश्योर्ड 1 लाख रखा गया है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ये आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पॉलिसी हेल्पफुल क्यों है। पॉलिसी होल्डर की अगर ड्यूरेशन, पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर को सम अश्योर्ड का अमाउंट मिलता है, उसके साथ साथ सम अश्योर्ड का 10% साल भर का जो एनुलाइज्ड वो है वो 10% साल भर में एक बार हर साल उसको मैच्योरिटी तक मिलता है, और पॉलिसी का जो फ्यूचर का प्रीमियम है वो भी माफ़ हो जाता है। और इतना ही नहीं, पॉलिसी ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट मैच्योरिटी टैक्स फ्री नॉमिनसी को कन्यादान की पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर
कि एक्सीडेंटल डेथ हो रही है तो एक्सीडेंटल डेथ में डबल सम अश्योर्ड बेनिफिट मिलता है, और उस केस में एनुअलाइज 10% सम अश्योर्ड का वो भी मिलता है, फ्यूचर का पैसा माफ़ हो जाता है, और मैच्योरिटी गारंटेड जब मिलनी थी तब भले ही पॉलिसी होल्डर नहीं है लेकिन उसके नॉमिनी को मैच्योरिटी भी मिलती है। इस पॉलिसी में अगर एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो गई है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है, तो उस केस में फ्यूचर का सारा पैसा माफ़ हो जाता है और पॉलिसी का सम अश्योर्ड का 10% साल भर का टेन्योर पूरा होने पर पॉलिसी का पूरा मैच्योरिटी भी पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से पॉलिसी बहुत बेनिफिशियल हो जाती है। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो उसको पूरा मैच्योरिटी टैक्स फ्री सेक्शन 1010D के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। इस पॉलिसी को अगर सरेंडर करना है तो 2 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। लोन की अगर बात करें तो 2 साल बाद लोन भी लिया जा सकता है। इनकम टैक्स में बेनिफिट की बात करें तो ये पॉलिसी लेने के बाद अपना ITR में आप इसको शो कर सकते हैं। सेक्शन 80C के अंतर्गत आप इसमें टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। जो भी मैच्योरिटी इसमें आपको मिलेगी वो सेक्शन 1010D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं एंडोमेंट पॉलिसीज के अंतर्गत जीवन लाभ पॉलिसी की, जिसको बोला जाता है LIC का करोड़पति पॉलिसी। कई बार आपने भी मुझे मेरी वीडियो में देखा होगा LIC का जीवन लाभ के प्लान के बारे में। बचाइए ₹500 प्रतिदिन 16 साल के लिए और पाइए 1 करोड़ टैक्स फ्री मैच्योरिटी 25वें साल में। ये वही प्लान है LIC का जीवन लाभ प्लान। शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, प्योर नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी है। इसका भी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली पेमेंट किया जा सकता है। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं पॉलिसी ड्यूरेशन के, या तो 16 साल के लिए लेनी है, या 21 साल के लिए लेनी है, या 25 साल के लिए लेनी है। अगर आप 16 साल के लिए लेते हैं तो पैसा 10 साल तक भरेंगे, अगर 21 साल के लिए लेते हैं तो पैसा 15 साल तक भरेंगे, अगर 25 साल तक पॉलिसी लेते हैं तो पैसा 16 साल तक भरेंगे। कम से कम 8 साल बच्चे को कंप्लीट होने चाहिए जिसके लिए पॉलिसी लेनी है। मैक्सिमम 59 ईयर तक का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। कम से कम 2 लाख की पॉलिसी होगी, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। अगेन आपकी कंप्लीट इनकम पर डिपेंड करता है। अगर पॉलिसी होल्डर की पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में डेथ हो जाती है तो जो एनुलाइज प्रीमियम पॉलिसी होल्डर पे कर रहा था उसका या तो 7 गुना, या उसने जो भी पैसा अब तक पे किया है उसका 105 गुना, जो भी ज़्यादा होगा वो उसके नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर सर्वाइव करता है तो पॉलिसी होल्डर को कंप्लीट बेसिक सम अश्योर्ड प्लस तब तक के लिए उसका जो रिवर्जनरी बोनस है वो, और उसको फाइनल एडिशनल बोनस सारा उसके नॉमिनी को उसको खुद प्रोवाइड किया जाता है। अगर पॉलिसी को सरेंडर करना है तो 2 साल के बाद पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू के हिसाब से उसको सरेंडर किया जा सकता है। 2 साल के बाद लोन भी प्रोवाइड लिया जा सकता है। इनकम टैक्स के लिए पॉलिसी एलिजिबल है, रिबेट के लिए टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत। मैच्योरिटी पॉलिसी में जो भी मिलती है वो कम्प्लीटली 1010D के अंतर्गत टैक्स फ्री होती है। तो ये थे वो एंडोमेंट पॉलिसीज जिनके बारे में मैंने आपको बताया, जो 2020 में मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज में से एक थी। अब मैं बात करता हूँ होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान के बारे में। मतलब एक बार आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे और पूरी ज़िंदगी का इंश्योरेंस एक ही बार आप कर सकते हैं, वो पॉलिसी LIC जीवन उमंग। जीवन उमंग पॉलिसी होल लाइफ नॉन लिंक्ड विद प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये जो भी पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को लेगा उसको उसका सम अश्योर्ड का 8% गारंटेड टैक्स फ्री लाइफ टाइम ऑन बॉन्ड रिटर्न उसको मिलेगा पूरी ज़िंदगी भर। ये इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। प्रीमियम पेमेंट मेथड की अगर बात करें तो मंथली पर पेमेंट किया जा सकता है। 100 साल का इंश्योरेंस एक ही बार में हो जाता है, और 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ये वो टेन्योर हैं जब आपको पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट सेलेक्ट करना है कि आप 15 साल पैसा देंगे, 20 साल देंगे, 25 साल देंगे या 30 साल देंगे। कम से कम 3 महीने का बच्चा इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो जाता है, उसके बाद मैक्सिमम 55 साल तक का कोई भी आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। और इसके लिए जो पॉलिसी होल्डर की अगर बीच में डेथ हो जाती है तो वो सारे बेनिफिट, डेथ बेनिफिट उसको मिलता है। जो भी उसने एनुअलाइज प्रीमियम पे किया था उसका 7 टाइम यानी 7 गुना, या जो भी उसका प्रीमियम जमा हुआ था डेथ तक उसका 105 गुना%, जो भी उसका अमाउंट है 105%, वो जो भी ज़्यादा अमाउंट है वो उसके नॉमिनी को प्रोवाइड किया जाता है। अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है पॉलिसी का जो पेमेंट टेन्योर है तब तक के लिए, तो बेसिक सम अश्योर्ड का 10% एवरी ईयर हर साल उसको उसकी पूरी ज़िंदगी भर गारंटेड मिलता है, और उसका इंश्योरेंस पूरी ज़िंदगी भर के लिए होता है, और बोनस इंक्लूड होता रहता है, और उसको मैच्योरिटी भी 100 साल में मिलती है।
पॉलिसी को अगर सरेंडर करना है तो उसको 2 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है। अगर बात करें लोन की तो पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन भी लिया जा सकता है। तो इस तरीके से जीवन उमंग पॉलिसी को 3 जनरेशन पॉलिसी भी बोला जाता है। 3 जनरेशन पॉलिसी का मतलब ये कि अगर आपने ये पॉलिसी करा ली है, मान लीजिए आपने 20 साल के लिए पैसा दिया और 20 साल बाद जो है आपको सम अश्योर्ड का 8% लाइफ टाइम पेंशन मिला, आप जब तक थे आपने पेंशन लिया, आपने नॉमिनी जो बनाया है आपके बाद वो उसको पूरा पेंशन मिल जाएगा, उसके बाद जो भी मैच्योरिटी मिलेगी वो आपके बच्चे को मैच्योरिटी मिल जाएगी। तो इस तरीके से 3 जनरेशन पॉलिसीज़ को बोला जाता है। अब हम बात करते हैं मनी बैक पॉलिसीज़ के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉलिसी, मोस्ट फेमस पॉलिसी रही, शांति करके एक पॉलिसी है, 858 टेबल नंबर है। ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉलिसीज थी। मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आप 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर इसमें आपकी एज में डाल दूँ 40 साल अगर आपकी एज है और आपने मान लीजिए पैसा अभी आपको नहीं चाहिए, आपको 12 साल बाद पैसा चाहिए, 10 साल बाद चाहिए, तो मैंने 12 साल का 1 करोड़ रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट कर दिया, तो आपको अगले महीने से गारंटीड लाइफ टाइम टैक्स फ्री नहीं बोलूँगा, पेंशन टैक्सेबल होती है, माफ़ कीजिएगा, मंथली जो पेंशन है लेकिन गारंटेड आपको 78,170 रुपये का पेंशन पूरी ज़िंदगी भर के लिए मिलेगा और 1 करोड़ रुपये आपका LIC में विद कैपिटल गारंटेड सेव है। तो इस तरीके से ये जो जीवन शांति पॉलिसी है पेंशन पॉलिसीज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर पॉलिसी रही 2020 में। 2021 में भी ये पॉलिसी अवेलेबल रहेगी। अगर आपको इसका कोटेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। ये पॉलिसी कम्प्लीटली एनुअल नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग सिंगल प्रीमियम एन्यूटी प्लान है और ये 3rd जेंडर के लिए भी अवेलेबल है। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट मेथड केवल एक बार के लिए है, मतलब एक बार में आपको पैसा लगाना है, कोई मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली पैसा नहीं दे सकते, एक बार में पैसा देना है। एन्युइटी मोड आपको सेलेक्ट करना है, मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली कैसे आप पेंशन लेना चाहते हैं। मिनिमम 30 साल का आदमी ले सकता है, मैक्सिमम लगभग 79-80 साल का आदमी इस पॉलिसी को ले सकता है। कम से कम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये का है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। एन्युइटी ऑप्शन केवल डेफरमेंट पीरियड पे ही होगा, मतलब आपको पैसा रोक के चाहिए तो ही ये पॉलिसी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। डेफरमेंट पीरियड 1 साल से लेकर 12 साल तक का है। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पॉलिसी का, अगर बेनिफिट की बात करूं तो बेनिफिट में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो गारंटेड है और पूरा लाइफ टाइम के लिए ऑन बॉन्ड रिटर्न गारंटेड आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कमिट किया जाता है और वो बॉन्ड में लिख के दिया जाता है। तो ये थे वो बेसिक पॉलिसीज़ जो LIC की तरफ से 2020 में मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज़ थे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ टर्म इंश्योरेंस की और हेल्थ इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस में कैंसर कवर पॉलिसी मोस्ट सेलिंग पॉलिसीज में से थी। इसको आप बिना मेडिकल टेस्ट कराए पॉलिसी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही चीपेस्ट पॉलिसीज में से एक है। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए तो 25 लाख रुपए से ऊपर का टर्म इंश्योरेंस LIC के पास ऑलरेडी अवेलेबल है जीवन अमर के नाम से। तो ये पॉलिसियाँ मोस्ट फेमस और मोस्ट डिमांडिंग पॉलिसीज थी 2020 की। अब 2021 में भी ये सारी की सारी पॉलिसीज अवेलेबल रहेंगी, लेकिन अगर आपको किसी भी पॉलिसी का कोई भी अगर आपको डिटेल कोटेशन चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कल मॉर्निंग वीडियो आने वाली है LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप 2020, क्या करोगे तो पक्का आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपके बच्चे भी इंटेलिजेंट हैं, अगर उन्होंने 10वीं 12वीं पास कर ली है तो उनको भी 20,000 रुपये हर 3 महीने में LIC प्रोवाइड करा सकती है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, उनको स्कॉलरशिप देगी उनके हायर एजुकेशन के लिए। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक करें, कमेंट करें।